बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जी बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस हम करने लगे हैं। ये बीपीपी की किट है, क्वेश्चन नंबर टॉपिक। बीपीपी किट सबसे स्ट्रांग होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। कॉन्सेप्ट आपने जब भी बिल्ड करना है तो बीपीपी किट, बीपीपी का मटेरियल यूज करें। प्लाटिनियम पार्टनर है ये बीपीपी, बहुत पब्लिशिंग कंपनी जो प्लाटिनियम पार्टनर है। बैरत जी इसके टॉपिक नंबर 3 पे किट के कंटेंट लिस्ट में उसे देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न ऑफ एज एसेट्स इज इक्वल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इसमें बेटा थोड़ी सी बात को पहले समझिएगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है बिल्कुल सिंपल। अकाउंटिंग इक्वेशन तो आप सारी उम्र पढ़ते हैं कि एसेट्स होते हैं इज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। इसमें ये जो कैपिटल होता है ये ओपनिंग होता है। ओपनिंग कैपिटल में अगर कोई ड्राइंग हो, ऑनर विड्रॉ करा ले पर्सनल यूज, वो लेस हो जाता है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन हो वो ऐड हो जाता है। अगर कोई प्रॉफिट हो वो कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, तो अल्टीमेटली ये क्लोजिंग कैपिटल बन जाता है। कैसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब उसने क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा केयर से चलेंगे बेटा। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको पता क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाएं, इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे जाएं, तो जो प्लस चीजें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं और जो माइनस वाली आइटम होती है वो प्लस हो जाती है। और जब आप उसकी साइड पलटेंगे तो जो प्लस नेचर वाली चीज वो इधर जाके लेस हो जाएगी, जो लेस नेचर वाली चीज वो इधर जाके प्लस हो जाएगी। अब वो कहता है एसेट्स प्लस प्रॉफिट, ये वापस जाते हुए प्रॉफिट ने जो है वो लेस होना था। वहां इक्वेशन की हम सेकंड साइड पे लेके जा रहे हैं तो प्रॉफिट ऐड किया, ये बात ठीक है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है ना, ओपनिंग नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग ने प्लस होना था क्योंकि ओपनिंग की तरफ से आते हो लेस है, क्लोजिंग पे ड्राइंग ने ऐड होना था। अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेंगे वो लेस होगी, ये बात भी ठीक है। लाइबिलिटीज इस साइड पे प्लस होनी थी, अगर इस साइड पे लेके जाएंगे वो लेस हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, तो ये पहली ठीक है। अब दूसरे में देखें, अब ओपनिंग कैपिटल इक्वल किया हुआ है ये वाला। अब ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है जी, बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल की तरफ से आए तो प्रॉफिट ऐड होता है, ये बात तो ठीक है। एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इस साइड पे प्लस होती है, इस साइड पे आके लेस हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग जो है वो लेस होती है, जब ओपनिंग से लेस होना था उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते उसने प्लस होना था, तो ये बात अब गलत होगी, बी ऑप्शन। फिर थर्ड है जी एसेट माइनस लाइबिलिटी।
नो डाउट लाइबिलिटी इधर प्लस होती, इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस होगी। ओके, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इधर प्लस होता है तो इधर जाके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। ड्राइंग इधर से बेटा लेस होती थी, अगर इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। तो पीछे प्रॉफिट रह जाएगा, तो ये दूसरी ये वाली भी सही है। ऑप्शन ए भी इसका ठीक है, ऑप्शन इसका सी भी ठीक है। और नीचे देखें फिर क्लोजिंग कैपिटल, देखें इस ऑप्शन में इसमें ओपनिंग दी है पहले में और आखिरी में क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल में तो लेबिलिटी ने हमेशा बेटा प्लस होना, इसने लेस की हुई है, तो ये तो इक्वेशन ठीक नहीं। इसका डबल ऑप्शन सही है, ए बी और सी भी। पीछे आंसर में उसने सिर्फ सी सही किया हुआ है, इट डजंट मीन कि ये ठीक नहीं है बेटा। बुक्स में एरर होते हैं, थोड़े बहुत लिटिल ये टाइपिंग एरर होते हैं, इसको कंसेप्चुअल एरर ना समझा करें। जो मैंने कराया कि ए भी ठीक है सी भी ठीक है, आप खुद भी अपनी कॉमन सेंस से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये कि ट्रेडर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मे बी कंप्यूटेड यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल, इंट्रोड्यूस क्लोजिंग कैपिटल। ये मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर जस्ट कैपिटल की बात हो तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट होता है, एडिशनल कैपिटल क्योंकि इसमें ऐड हो जाता है वो भी क्रेडिट साइड पे होता है, प्रॉफिट हो तो वो भी ऐड हो जाता है तो वो भी क्रेडिट साइड। हाँ, ड्राइंग हो तो लेस हो जाती है तो वो अपोजिट साइड पे, लॉस हो तो लेस हो जाता है अपोजिट साइड पे, और फिर इसका क्लोजिंग कैपिटल निकलता है ये डेबिट साइड पे निकलता होता है, क्योंकि डेबिट साइड पे निकलने का मतलब होता है कि बैलेंस क्रेडिट है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे निकलता है। अब वो कहता है जी ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, ओपनिंग कैपिटल में देखें ड्राइंग प्लस होती है, नहीं पे अपोजिट साइड पे है, ओपनिंग से जो अपोजिट चीजें होती हैं वो लेस होती हैं, इसका मतलब ड्राइंग में प्लस नहीं होना। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, हाँ जी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ने वो सेम साइड पे है तो वो प्लस हो जाना। माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है वो कहता है जी माइनस हो जाना है, ये जो एडिशनल कैपिटल है बिल्कुल वो अपोजिट पे है, उसने माइनस हो जाना है। ठीक, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी ये बात ठीक है, क्योंकि ड्राइंग क्योंकि सेम साइड पे है क्लोजिंग और ड्राइंग, और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ओपनिंग कैपिटल है सेकंड साइड पे है, जो सेम साइड पे चीजें वो ऐड होती है, जो सेकंड साइड पे वो लेस होती है, ये बात ठीक है। फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग, हाँ जी ओपनिंग कैपिटल इधर है, ड्राइंग इधर है तो जरा माइनस हो रही है अपोजिट साइड। कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस, इंट्रोड्यूस ने प्लस ही होना है, माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग मैंने तो माइनस ही ड्राइंग है, माइनस ही क्लोजिंग है, क्योंकि ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल एक साइड पे है, ड्राइंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एक साइड पे है, तो ये बात भी ठीक है।
ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग, ठीक। अब ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को जो है वो अगर माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग अपोजिट पे, तो उसने माइनस ही होना है। माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस, नहीं वो बेटा ओपनिंग कैपिटल में ऐड होना था, तो ये बात गलत है। अब दरमियान वाले दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, उनको वापस चेक कर लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग सेम साइड पे है तो प्लस ही होना है, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल अपोजिट पे है तो उसने लेस होना है, माइनस ओपनिंग कैपिटल वो भी अपोजिट पे है उसने भी लेस ही होना है, तो ये बात भी ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल लेस ड्राइंग, ओपनिंग क्योंकि डेबिट ड्राइंग क्रेडिट पे है तो उसने लेस अपोजिट में होना, प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस एडिशनल नहीं इसी साइड पे होना था, ऐड ही होना था, लेस क्लोजिंग क्लोजिंग ने, तो ये दोनों बातें जो है वो सही है। यहाँ पे पता नहीं उसने क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त जो है वो कौन सी गलती की है, क्योंकि हमने तो पढ़ना होता अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, हमें इस बात से गर्ज नहीं होता कि कौन सा आंसर हम एक को टिक करके जो है सेटिस्फाई हो जाए। इफ नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब भी बेटा कैपिटल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेट एसेट इक्वल टू कैपिटल, के एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इधर प्लस होती है, इधर आके लेस होती है, तो कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी को नेट एसेट कहते हैं। नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, इसलिए जितना नेट एसेट उतना ही कैपिटल है। वो कहता है जी नेट एसेट एट द एंड ऑफ ईयर इतना, व्हाट वाज द प्रोपराइटर कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंस का पूछा है। नेट एसेट यानी ईयर एंड का बैलेंस 95,100 दिया है, प्रॉफिट मेड बाई बिजनेस 35,400, प्रॉफिट इसी साइड पे है 35,400, प्रोपराइटर इंजेक्टेड न्यू कैपिटल 10,200, ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ मंथली सैलरी 500, मंथली सैलरी 500 है, साल में मंथ बेटा 12 होते हैं, तो टोटल सैलरी ड्राइंग कितनी है 6,000 की, 12 से मल्टीप्लाई होनी है बेटा। अब वो कहता है जी इसमें बताएं ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये 6,000 और 95,100 लेजर का ऐड करेंगे, और दूसरी साइड एडिशनल कैपिटल 10,200 एंड 35,400 जो है वो लेस करेंगे, तो 5,500 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, 5,500 ओपनिंग, रिवर्स एक्शन होता है। अब वो कहते हैं सोल ट्रेडर टुक सम गुड्स कास्टिंग 800 फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश भी लिया जा सकता वो भी ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए इन्वेंट्री ली जा सकती वो भी ड्राइंग है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग अगर इन्वेंट्री की जाए जो चीज परचेज की है, तो ड्राइंग डेबिट परचेज क्रेडिट होती है,
इन्वेंट्री टू परचेज ये तो होनी नहीं, पर्सनल यूज है ना। ड्राइंग टू परचेज ये हो सकती है, ड्राइंग टू सेल ये नहीं हो सकती बेटा। सेल टू ड्राइंग नहीं बेटा, ड्राइंग टू परचेज। और ये बेटा इन्वेंट्री की कास्ट 800 की थी, सेलिंग प्राइस उसकी 1600 की है। तो याद रखिए कि परचेज को क्यों कर रहे हैं, एट कास्ट करना है। इन्वेंट्री जब भी आनर लेगा तो वो एट कास्ट लेगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं लेगा। ये बिजनेस कैन यानी सेलिंग प्राइस इग्नोर कर देनी है। ये एंट्री बहुत पेपर में आती है। ए बिजनेस कैन मेक ए प्रॉफिट एंड येट हैव ए रिडक्शन इन बैंक बैलेंस। प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बैंक बैलेंस कैश कम हो रहा है। विच वन ऑफ फॉलोइंग माइट कॉज दिस हैपन। प्रॉफिट बेटा इनकम माइनस एक्सपेंसेस को कहते हैं, और कैश रिसीव्ड माइनस पेमेंट को कहते हैं। कि कैश रिड्यूस हो रहा है हालांकि प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट एट अ लॉस। बेटा एसेट सेल करेंगे कैश इंक्रीज होगा, तो ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन ने कम हो जाना था, ये प्रॉफिट ने कम हो जाना था, जबकि यहाँ पे कैश कम हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेंथिंग ऑफ पीरियड ऑफ क्रेडिट गिवन टू कस्टमर। हाँ, कस्टमर को क्रेडिट सेल करेंगे तो सेल प्रॉफिट में तो कंसीडर हो जाएगी, लेकिन पैसे नहीं आएंगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। लेंथिंग ऑफ पीरियड ऑफ क्रेडिट टेकन फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर को देर से पे करेंगे तो परचेज लेंगे तो परचेज आएगी तो प्रॉफिट बेटा कम होगा। परचेज एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि कैश कम, क्योंकि पैसे नहीं हम दे रहे। फिर यहाँ पे कहते हैं जी, व्हाट इज द एटलीस्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब होता है कैपिटल दिया। 1 जनवरी 128 ओपनिंग कैपिटल 128,000 का है। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस फर्दर 50,000 कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इसी साइड पे जाता है। ड्राइंग 48,000 की वो अपोजिट साइड पे जाती है। एट 31 दिसंबर टोटल नेट एसेट 184 के, कैपिटल ईयर एंड पे इतना है। हमसे पूछा प्रॉफिट और लॉस, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कि एक तरफ 128,000 और 50,000 है, और दूसरी तरफ 48,000 और 184,000 है। 54,000 का बैलेंस इस साइड पे आ रहा है, तो बेटा वो 54 आपको पता है कि अगर इस साइड पे आता तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होना था ना। अगर इस साइड पे आता तो लॉस है, 54,000 प्रॉफिट। पेमेंट ऑफ 400 टू ब्लॉगर फॉर कैश परचेज। कैश परचेज की तो उसमें पार्टी का नाम भी ले इग्नोर कर देते हैं। एंट्री क्या होनी थी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कितने की? 400 की। पेमेंट ऑफ 250 टू जे डो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइस फॉर गुड्स परचेज।
हमने प्राणी उससे गुड्स परचेज की थी, यानी वो हमारा पेएबल था, क्रेडिट परचेज थी। अब हमने पेमेंट की, पेएबल को पैसे पे करते हैं, लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 250 से। अगर इसकी कंबाइन एंट्री करें, परचेज डेबिट हो रही है 400 से, पेएबल डेबिट हो रहे हैं 250 से, जबकि दोनों जगह कैश क्रेडिट हो रहा है। 4 और 250 कितना? 650। कि परचेज डेबिट 400, पेएबल क्रेडिट डेबिट 250, 650 से कैश क्रेडिट हो रहा है। फिर बेटा एंट्री देखें, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 150, क्रेडिट सेल की तो रिसीवेबल ने डेबिट हो जाना, सेल ने क्रेडिट हो जाना 150 से। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम बी ब्लेंडिंग, ओरिजिनली सोल्ड 300 इन कैश, कैश में सेल की थी उसने वापस कर दी, सेल रिटर्न होती है तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाती है, और क्योंकि हमने कैश उसको वापस किया उसका, तो 300 से कैश क्रेडिट हो गया। अब एंट्री इसकी अगर आप कंपाउंड करना चाहते हैं, रिसीवेबल डेबिट आ रहा है 150 से, सेल रिटर्न भी डेबिट आ रहा है 300 से, और सेल भी क्रेडिट आ रही है और कैश भी क्रेडिट आ रहा है, एक जगह 150 से, एक जगह 300 से। रिसीवेबल, ठीक, सेल है ये रिसीवेबल, सेल रिसीवेबल 150, सेल रिटर्न 300, और सेल 150 और 300, ये वाली एंट्री होगी। विच ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड अकॉम्पनी इट रिटर्न ऑफ गुड टू सप्लायर, सप्लायर को जब चीज वापस करते हैं तो हम उसको डेबिट नोट देते हैं, हम उसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट नोट, के हमें क्रेडिट नोट वापस करें। रेमिटेंस एडवाइस उस वक्त देते हैं जब पेमेंट की जाती है, परचेज एडवाइस जब चीज को परचेज किया जाता है क्रेडिट पे, क्रेडिट नोट जब सेलर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है रिटर्न पे तो उसको क्रेडिट नोट इशू कर देता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर बुक का प्राइम एंट्री, सेवन बुक्स है ना, सेल्ड बुक, कैश बुक, जनरल जनरल, परचे लेजर बेटा पोस्टिंग होते हैं, ये बुक का प्राइम एंट्री नहीं होती, ये एंट्री भी बहुत पेपर में आती है। इन विच बुक का प्राइम एंट्री विल ए बिजनेस रिकॉर्ड डेबिट नोट, ठीक, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन सेंट बैक टू सप्लायर, कहते डेबिट नोट कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। डेबिट नोट मैंने बताया था कि ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट, इससे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट इससे एंट्री नहीं होती। हाँ, फॉर टाइम बीइंग इनमें से ऑप्शन देखें तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट देते हैं, तो हम कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन के तौर पे परचेज रिटर्न डे बुक में आती है, हालांकि डेबिट नोट किसी बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये मेरी बात याद रखना, ये एमसीक्यूज गलत है। फिर मोटर व्हीकल अकाउंट है, एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, नया खरीदेंगे डेबिट होगा, बेचेंगे क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया।
व्हाट ओपनिंग बैलेंस शुड बी इंक्लूडेड इन फॉलोइंग पीरियड, आने वाले पीरियड में कितना ओपनिंग बैलेंस है? फॉलोइंग पीरियड ट्रायल बैलेंस फॉर मोटर व्हीकल कास्ट ऑन 1 जुलाई, क्योंकि 30 जून का तो ये बैलेंस है, तो बेटा जो इसका क्लोजिंग है वो अगले का ओपनिंग है 186,450। बैलेंस अगर इस साइड पे निकला तो इसका मतलब डेबिट साइड बढ़ी है, तो इसे डेबिट बैलेंस कहेंगे, 186,450 डेबिट बैलेंस। ट्रेड पेबल अकाउंट है, पेबल लेबिलिटी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, परचेज करेंगे पेबल बढ़ जाएगा क्रेडिट, कैश देंगे पेबल कम हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट वाज द बैलेंस फॉर ट्रेड पेबल इन ट्रायल बैलेंस, कौन सा बैलेंस जाएगा उसमें क्लोजिंग बैलेंस जाते होते 11,900, क्योंकि ये डेबिट साइड पे निकला इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बढ़ेगी 11,900 क्रेडिट बैलेंस। विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन सेल डे बुक, सेल डे बुक में क्रेडिट सेल होती है जिससे कि इनवाइस होती है, सेल कैश रिसीव नहीं जी, सेल इनवाइस, हाँ जी क्रेडिट सेल के लिए होती है। क्रेडिट नोट रिसीव, ये तो परचेज रिटर्न एक्सेप्ट होगी, ट्रेड डिस्काउंट ये तो कहीं रिकॉर्ड होता ही नहीं है। आइडेंटिफाई बाई इंडिकेटिंग द रेलिवेंट बॉक्स इन टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ए डेबिट रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन लेबिलिटी, लेबिलिटी इंक्रीज हो वो बेटा डेबिट नहीं होती वो क्रेडिट होती है, फॉल्स। ए डेबिट रिकॉर्ड ए डिक्रीज इन एसेट, नहीं बेटा एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट, ये भी फॉल्स। ए क्रेडिट रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन लेबिलिटी, हाँ लेबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है। क्रेडिट रिकॉर्ड एन डिक्रीज इन कैपिटल, नहीं कैपिटल बेटा इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट नहीं होता। वो इज द टोटल ऑफ परचेज डे बुक पोस्टेड टू नॉमिनल लेजर, कैसे वो लेजर में एंट्री की जाती है, परचेज डे बुक क्रेडिट परचेज होती है तो परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल कंट्रोल, क्योंकि एक से ज्यादा परचेज पेबल होते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन इंप्रेस सिस्टम पेटी कैश, जिसमें एक लिमिट मेंटेन की जाती है जिसे रेगुलर टॉप अप किया जाता है, एन इंप्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश कंट्रोल स्मॉल कैश एक्सपेंडिचर बिकॉज फिक्स अमाउंट इज पेड इन टू पेटी कैश एट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, बेटा फिक्स अमाउंट नहीं पे की जाती, जितने पेटी कैश से कम हो जाते हैं उतने टॉप अप किए जाते हैं, एक रेगुलर अमाउंट भी, क्या आप कहेंगे हर मरतबा आपने 600 ही पेटी कैश में रखना है, भाई पहले वहां पर 200 पड़ा तो आप 400 और रखेंगे, पहले वहां पर 300 पड़ा तो मतलब 300 और रखेंगे, मतलब ये फिक्स अमाउंट नहीं टॉप अप होती। द इम्प्रेस सिस्टम प्रोवाइड ए कंट्रोल ओवर पेटी कैश स्पेंडिंग, बात ठीक, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड इन पेटी कैश एट एनी टाइम मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पेटी कैश वोचर, कहता जो पेटी कैश पड़ा है वो पेटी कैश वोचर के बराबर है, ये बात भी गलत है, क्योंकि पेटी कैश तो वोचर हुआ जो पे हो गया है पेटी कैश, पीछे तो बैलेंस देखो ना 500 पेटी कैश था उसमें से 300 पे हो गया, तो वोचर 300 के होंगे, जो पड़ा होगा वो 200 होगा, उतना नहीं होगा,
ए इंप्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश कैन ऑपरेट विदाउट द नीड फॉर पेटी कैश वोचर आर रिसीव फॉर स्पेंडिंग। नहीं बेटा, एविडेंस हर चीज के चाहिए, वोचर। एन इंप्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश हेल्प विद मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। हाँ जी, छोटे छोटे एक्सपेंस और कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल का मतलब होता है एरर और फ्रॉड रोकने के लिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस दैट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेटी कैश हैज बीन अप्रूव्ड बाई आर ऑथोराइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस के अप्रूव्ड हो चुके पेटी कैश वोचर, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन पेटी कैश, रिसीव फॉर एक्सपेंस ट्रांसफर। नहीं बेटा, पेटी कैश वोचर पे अप्रूवल के साइन होते हैं। जो पेटी एक माल एम्प्लाई मतलब जो पेमेंट करते हैं, तो पेटी कैश वोचर पे पहले अप्रूवल लेते हैं, ऑथराइज पर्सन के साइन लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त बेटा बहुत बड़ा सीरियस इशू है इसमें, कि ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, क्योंकि डेबिट नोट किसी का सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता। गलती न कर बैठना। एक लफ्ज होता है, क्योंकि डेबिट नोट देता है कस्टमर, वो कहता है डिमांड फॉर क्रेडिट नोट, मुझे क्रेडिट नोट दो। सप्लायर देता है क्रेडिट नोट, वो इशू करता है क्रेडिट नोट, तो वो सही रिटर्न बुक करता है। जिसको मिलता है तो वो क्रेडिट नोट रिसीव करके उस पर परचेज रिटर्न करता है। डेबिट नोट से किसी किताब में एंट्री नहीं होती। रिलेक्टेंटली मैंने परचेज दे बुक, क्योंकि ऑप्शन वो क्लोज टू था, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात गलत हो गई है, थ्रेटिकल भी। और पहले दोनों क्वेश्चन में भी दो फॉल्ट है, कि इस पे दो दो ऑप्शन सही है और एक दो दो ऑप्शन गलत है, जबकि उसने एक एक ऑप्शन मांगा है। तो यहाँ पे ये दोनों सवाल भी माशाल्लाह जो है उसकी ओपनिंग ही गलत है। जो लोग कंसेप्ट से करेंगे उनको फौरन पता चल जाएगा ये गलत है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जो चीज आपके कॉन्सेप्ट को बीट करे उससे टकराए, उससे जांच चढ़ाया करो। रट्टे ना लगा लिया करो, नहीं जी इतने ये ना आंसर था, मैंने भी यही करना। तो बेटा आराम से देखिए, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, बल्कि मेजॉरिटी जो आंसर देख के आंसर पर टिक करवा देंगे। आप उनसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे, उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं होगी, उनको पता ही नहीं होता। ठीक, मैं किसी जमाने में एक टीचर के पास चला गया एक दिन पढ़ने, 2 दिन, मतलब मेरे नसीब माठे थे। तो उसने कोई मुझे वो टॉपिक पढ़ा रहा था, और भी स्टूडेंट थे कुछ बैठे हुए, मैं तो ऐम ही चला गया शुगल मुगल में। उन्होंने कहा जी अपना अफलाम अमाउंट में ना इतना ऐड कर दे, मतलब 300 ऐड कर दे। मैंने कहा सर जी क्यों करते? कहते जी मैं नहीं कह रहा। मैंने कहा सर जी आपने कहा तो इसका मतलब मैं कर दूं? ऐसा भी मुझे कॉन्सेप्ट तो बताएगा अगर करना क्यों ऐड। वो कहते नहीं जी मैं जब कह रहा हूं तो आप ऐड करें। मैंने कहा सर ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम मुझे कोई और चीज आ जाए तो मैं कैसे इसको डील करूंगा। उन्होंने कहा जी मैंने कहा है, आथर ने अपनी रिविजन किट में लिखा हुआ है, फलाम आथर ने भी अपनी बुक में लिखा हुआ है, हम तीनों झूठे, तू केला सच्चा। मैं कहा सर सच झूठ की तो बात ही नहीं, आप मतलब एक चीज है उसको रीजनिंग तो दें, उसको जस्टिफिकेशन तो दें। जस्टिफिकेशन देंगे मेरी लर्निंग होगी, जब तक आप लोग जस्टिफिकेशन नहीं देंगे मेरी लर्निंग किधर से हो जाएगी।
मैं क्रैमिंग नहीं करता ना, मैं क्रैमिंग का कायल हूं। तो आपकी मेहरबानी ये कि लॉजिक से जो चीज मतसादम हो, जो उसके अपोजिट हो, उसको बबांगे दोहल गलत किया करें। बीपीपी की किट है, कैपलन की किट है, किताबों में कई किस्म के एरर्स होते रहते हैं, टेक्निकल एरर्स भी होते हैं, वो जब वो उसकी टाइपिंग हो रही होती है, टाइपिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, तो वहां पर पक्के ना हो जा करें कि इसने जो लिखा है। बेटा अल्लाह ताला ने कहा था कि जब तक दुनिया है, कुराने मजीद की मैं हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कुरान की शेप चेंज नहीं होगी, हफाज में वो सीना पसीना चलता रहता है, इसलिए चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल नहीं कहा था कि जी बीपीबी किट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कैप्टन की किट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये भी आपको एज इट इज मिलेंगे। तो बेटा होते हैं जिनको इन सवाल पे ये कि जिसको हो ना प्रॉब्लम, बेटा वो ही सवाल की प्रिंट मतलब रेफरेंस देके नंबर है कि टॉपिक नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फलां, तो ये बीपीपी को ईमेल करें, उनको पूछें कि ये आपने किया है, ये बताएं हमें, इसकी जरा लॉजिक क्लियर करें। ठीक है, फिर फौरन सॉरी की उनकी ईमेल आ जाती है। अभी के लिए अल्लाह।